तो जी राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। घर को है ना बिना इंजेक्शन के देख ले इतना बड़ा, तीन बिलांद दो उंगल को इतनी हाइट हो जा ले। तेरे इतने भी हो जाएगा जब और ज्यादा ऊंचाई पे लटका देते हैं लटकने तो पक जाएगा जब तक पर। अब बच्चों को तो सब्जी तो हमने डाले थे दो बच्चों सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हमने रात को व्लॉग चालू किया है और रात के बज रहे हैं 9:30, 9:30 से भी ऊपर हो गए 9:40 हो रहे हैं और हम अब व्लॉग चालू कर रहे हैं। अभी तो मेरा दूध, इनको सबको दूध पिलाना और फिर बाद में दूध को जमाना और बर्तन धोने। अभी तो खाना बनाया था और मैं अभी कपड़े धो करके निपटी हूँ। आज मैंने कपड़े धोए कुल 2 जोड़ी हाथ से, मशीन नहीं लगाई क्योंकि तो इनके पापा की वर्दी थी और वर्दी तो पहन के भी जानी है, 2 वर्दी हैं तो दोनों गंदी हो गई, एक कल और एक आज, तो वो मैंने धो गए रही हैं। अब मैं उनको सुखा करके वर्दी नहीं होती यूनिफॉर्म, हाँ वर्दी बोले हम तो यूनिफॉर्म आजकल के बच्चे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म, हमारे लिए तो वर्दी है। और रुक जा, अब मैं कपड़ों को सुखा देती हूँ पहले, फिर कुछ करूँगी। कौन है? और मशीन का बज गया बाजा, क्योंकि ये बंद होती है तब ये बहुत जोर से बोलती है। कपड़े मैंने धुले हैं अभी, इनको ना दिन में धो देती लेकिन मेरे दिन में याद ही नहीं रहा कि कपड़े धोने भी हैं। फिर याद आई अभी, तो मैंने अभी धो दिए हैं हाथ से क्योंकि मशीन लगाती ना तब तो देखिए टाइम 9:45 होने को जा रहे हैं और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पहले मैं इनको बाहर सुखा देती हूँ, अच्छे से सूख जाएंगे। और बिल्कुल रात हो चुकी है, कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं करूंगी क्या, कुछ नहीं, अब इनको गेट को बंद कर देते हैं। गेट को बंद करने के बाद इस बल्ब को भी बंद कर देते हैं और अब हम रसोई में काम करेंगे थोड़ा सा। रसोई में देखिए बर्तन सिंक फुल भरा हुआ है, अब इसको हम साफ करेंगे सारे बर्तनों को। तो जी मैं बर्तनों को धो लूँगी, अब पहले तो साफ पानी से ऐसे ही धो धो कर अलग दूसरे सिंक पे रख दूँगी और फिर बाद में इस इनको साबुन से मांज मांज कर रखूँगी। और रात के 10 बज रहे हैं और अब मेरे बर्तन धुल रहे हैं क्योंकि लेट हो ही जाता है, एक तो लेट रोटी खाते हैं थोड़ी सी और फिर बीच में काम भी आ गए, कपड़े वपड़े धोने लग गई मैं, दिन में तो मेरी याद ना रही
और रात में फिर मैंने वे कपड़े धोए तो ये हमारा भी लेट होगी। तो अब मैं धोऊंगी बर्तन ने, और बर्तन रात को बिल्कुल भी सने हुए नहीं रखने चाहिए, झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पहले की बड़ी बूढ़ी कह रही चाची ताई जैसे दादी नानी के रात को ना बर्तन गंगा जी नहाने जावे, तो पर गंगा जी तो कोई ना नहाने जावे ऐसे, तो कई इनके बर्तन के पैर थोड़ी एक हाथ एक पैर है जिनते चलते चल के चले जावे, अरे या कोई ने लेके जावे बेचारे यहीं पड़े रहे रात को। पर झूठे बर्तन धरने थे ना घर में नेगेटिविटी आवे और इनमें कीटाणु हो जा, कॉकरोच वगैरह पूरे झींगर विंगर, तो ये हमारे झूठे बर्तन तो धरने ही नहीं चाहिए वैसे घर में। गेला गेला अपने साफ कर दे जितने भी हों, और ये बर्तन ये सौन तक के, सौन बजे 5 बजे की 5:30 बजे की चाय बनी ना जब तक इकट्ठे होते जा रहे हैं, हमें मैंने धोए ना तो कभी कुछ काम लगा ही रहे। एक तो एक सांझ के टाइम घास खोदनी भी रहे, हमारे तो काम ही हुई है न्यार काट खेत में घास खोदनी, गाय भैंसन को अपना काम करना। तो ये मर लेट हो गए, फिर खाना वाना बनाए उनमें, फिर बाद में रोटी वोटी खाए के बैठे, इतने मिन के लिए बर्तन धो दो, इन्हें दूध दूध जमा दूँ, इतने ही फिर मेरी याद आई कि कपड़े न धोए। अब यूनिफॉर्म ही तो दोनों ही जोड़ी गंदी हुई पड़ी, फिर मैंने वही धो के सुखाई पहली, और घर के सब गए सो, अब दूध दूध पी के वे सो गए। अब बस मेरा काम यही रह रहा, बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के दूध जमाऊंगी, दूध जमा के और देखूंगी लाइट वाइट बंद करूंगी अपने, बाहर भी बाहर की जला दूंगी और अंदर की सारी ने बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर बिल भी ज़्यादा आवे ना, तो बिल भी बिजली बचानी चाहिए। अगर बिजली चल बिल तो भर देवे हर कोई, पर बिजली ना बचावे ना तो फालतू की खर्च करते रहें, तो फिर गर्मी में काटे नहीं, यही वजह तो कटे है कि बिजली हो जाए सारी खर्च, स्टोर में बचे ना कुछ भी, और फिर अपने गर्मी में काटते रहें, दुखी होते रहें, फिर बिजली वाले ने गाली देते रहें बेचारे ने। नहीं तो पानी और बिजली तो बचाना ही चाहिए जितना हो जाए, जितना अपने ठीक है, जितना यूज करना हो कर ले, बाकी के अपने बंद कर दे, टूटी भी चलती ना छोड़नी चाहिए ये नल भी, जो पानी बहता रहे वैसे ही, और बिजली भी ना इतनी खर्च करनी चाहिए, जो पंखे ने चलते छोड़ दे हैं या बल्ब ने जले छोड़ दे हैं, तो ऐसी चीज़ तो ना करनी चाहिए किसी भी। तो मैं तो ध्यान रखूँ वैसे इन चीज़ों को, पानी भी ज़्यादा ना बखेरूँ, क्योंकि वो पानी की कीमत की वो पता हो, क्योंकि पहले हमारे गांव में ना पानी ये समरसीबल ना लग रही किसी के, तो सरकारी नल आ करे, सरकारी नल थे पानी ढो ढो के भरे करे, 80 रुपये ला करे दूर दूर पे ला ला के भर के, फिर वह बखेरे करे तो बड़ा जी जड़े करे, अब कितनी मेहनत आवे भी पानी, और फिर अब वो आदत पड़ चुकी ना, अब ना बवाए जा, अब तो घर में भी लग रहा समरसीबल लग रहा, पर फिर भी पानी ऐसे ना बवाए जा खाली को, क्योंकि अब अपने चल समरसीबल लग गो, पर बहुत से अब भी हैं जहाँ पानी ना है, पानी की दिक्कत होती रहे, तो वही अपना बचाना चाहिए, कोई पता ना कब पानी की दिक्कत हो जाए, कब पानी ख़त्म हो जाए धरती में, वैसे स्रोत नीचे जा रहे पानी की, पहले तो ऊपर ही हो जा कर रही, ज़्यादा नीचे ना हो गए, अब तो 250 फुट पर पानी चलोगा हमारे यहाँ को। तो भाई बर्तन मेरे धो गए हैं, अब थोड़े से रह रहे हैं, भाई चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जिन्हें ना कर रहा हो वो भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे करो, और कमेंट भी कर दे करो थोड़े बहुत, वह तो पता लगते रहे कौन देख रहा हो कौन ना देख रहा वीडियो ने। भाई अब मैं सारे बर्तन धो दूंगी, आजकल कुछ ज़्यादा ही लेट हो जा मेरे काम ना, मैं तो और दिन पहले तो मैं ऐसे एक दो महीने पहले की बात है, जब तो मैं 8 बजे हम 9 बजे तक हम सो जा कर खा पी के सब काम करके बर्तन वर्तन सारे काम कर देवे, और अब तो मेरा घना लेट हो जाए, एक तो दूर को काम होगो, घर थोड़ा सा दूर है जहाँ हमारी गाय रहे हैं, वहाँ तो कर काम है 6 बज जा, 6:30, 7 भी बज जा कई कई दिन, तो फिर आए कि न्यार व्यार भी काटना रहे और भी काम रहे, फिर थक जावे थोड़ी देर आराम करने लगे, फिर बाद में रोटी टुकड़ा करें और लेट सेट हो जा, वही 10 बज जावे हमें तब। तो भाई मेरे बर्तन सारे धो गए हैं,
अब मैंने ये पानी नहीं चढ़ गए इनको, अब मैंने ऐसे टोकरा में ऊपर ही रख दूंगी एक एक करके सारे ने। और रखने के बाद बस यही काम, एक दूध जमाना और अपना सोना। तो आज भी लोग दिन में कुछ बनो भी ना, क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही रहे। अब काम करें कि वीडियो ने बनावे, इतना ही टाइम मिले तो मेरी याद भी ना रही कुछ दिन में। अब मैंने के लिए ये काम तो करना है ही, अब थोड़ी सी वीडियो बना कर अब घेर देंगे, कोई बात ना। अब कैसी वीडियो बन रही है तो चल जाएगी, कभी कभी हो जाए ऐसे। तो जी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और देखते रहिए वीडियो को, ऐसे ही बने रहें, चैनल पर आते रहो और वीडियो देखते रहो। और ये सिंक का जो कचरा निकला था, ये इसको मैं डाल दूंगी बाहर, और मेरे बीच बीच में ना बोली बदल जावे। अपने देहाती बोली तो छूटे ना, अब हिंदी शुद्ध हिंदी बोली बोल तो लेवे वैसे, पर वो मैं मुँह दुख लगे तो अपने देहाती पे ही अटके रहे। और वैसे तो वो तो अपनी देहाती बोली है, ज्यादा अच्छी लगे। और अब देखो ये बिल्ली ने तो भाई हमारा जन्म दुखी कर रखा हो, कतई कितनों ही रखवाली कर ले, दूध में गैली झूठो कर जाएगी और बखेर जाएगी दूध। नू भी नो चलो पी ले तो बखेरे तो नो, कम से कम यू बखेर भी जावे और दे जंगला में कराई। अब